गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू, और वो प्रोडक्ट है ये है गुड वाइब्स का हवाना मैंगो रिलैक्सिंग कंडीशनर। मैं इस कंडीशनर का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसा भी होगा, अच्छा है बुरा है जैसा भी है प्रोडक्ट, मैं आप लोगों के साथ एकदम ऑनेस्ट वाला रिव्यू शेयर करूंगी और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में और सिंपल तरीके से मैं ट्राई करूंगी मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी रहे समझने में। तो चलिए गाइस इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं पैकेजिंग की बात करूंगी। तो पैकेजिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह इसका पैकेजिंग है, येलो कलर का यहाँ पे पैकेजिंग दिया हुआ है, गोल्डन कलर का कैप है, पंप के साथ आता है, प्लास्टिक का बॉटल है जो कि ट्रैवल फ्रेंडली इस पैकेजिंग को और बनाता है और अच्छा है ट्रैवल फ्रेंडली के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है गुड वाइब्स हवाना मैंगो रिलैक्सिंग कंडीशनर। ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपको मिलता है 120 ml यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, नो पैरामिन, नो सल्फेट, क्वेलिटी फ्री, नो मिनरल ऑयल। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये चार पॉइंट इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है और आपके बालों के लिए और ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे पैरामिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट है, नो मिनरल ऑयल है, तो और ज़्यादा अच्छा है आपके बालों के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है ये जो प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हुआ है। कैसे आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला हुआ है डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन हुआ है, कस्टमर केयर डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रोडक्ट को आप 2 ईयर यूज कर सकते हो। इस प्रोडक्ट का MRP है 175 rupees, जो कि आपको purple.com पे हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रोडक्ट डिटेल्स। अब बता दूँ ये जो कंडीशनर है इसको अगर आप यूज करते हो, ठीक है, अगर आप बालों में यूज करते हो, कंडीशनर हम क्यों यूज करते हैं, हम क्या करते हैं शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, तो शैम्पू यूज़ करने से थोड़ा बहुत हमारे बाल जो है ड्राई हो ही जाता है, थोड़ा बहुत जो भी केमिकल रहता है उसकी वजह से हमारे बाल जो है ड्राई हो जाता है। तो कंडीशनर लगाने से आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और आपके बाल जो है बिल्कुल भी नहीं टूटता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशनर है ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर है, और गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी जो मार्केट वाला जो नॉर्मल सस्ता वाला जो शैम्पू आता है वो सारे शैम्पू आप यूज़ मत करो, जो भी पैरामिन फ्री शैम्पू है आप वो यूज़ करो। यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का कोकोनट हाइड्रेटिंग शैम्पू का मैंने रिव्यू किया है, ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है, अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में भी आपको purple.com पे मिल जाएगा ये भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप ये बनाना शैम्पू ट्राई कर सकते हो गुड वाइब्स का, ये इसका भी रिव्यू मैंने शेयर किया है मेरे चैनल के ऊपर, तो अगर आप चाहते हो तो दो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि कुछ भी केमिकल वाला जो प्रोडक्ट होता है बालों के लिए मत यूज़ करो, एक तो आप ट्राई करो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट शैम्पू यूज़ करो, अगर आपको आयुर्वेदिक शैम्पू उतना नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पैरामिन फ्री जो भी क्वालिटी फ्री शैम्पू होता है, सल्फेट फ्री शैम्पू होता है वो ट्राई करो। गुड वाइब्स का शैम्पू बहुत अच्छा है, गुड वाइब्स का शैम्पू अगर आप ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली ट्राई करो, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ एक बार आप गुड वाइब्स का शैम्पू ट्राई करो, और प्रोडक्ट आप ट्राई करने का सोचोगे भी नहीं, इतना अच्छा शैम्पू है गुड वाइब्स का। ठीक है, तो जरूर ट्राई करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो क्या होता है, मार्केट वाला हम जब शैम्पू यूज़ करते हैं वो शैम्पू यूज़ करने से हमारे बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, क्या होता है इतना ज़्यादा शैम्पू करने के बाद अगर आपके बाल अब जब ड्राई हो जाता है, आपने देखा होगा ना, बहुत ही ज़्यादा रफ हो गया है, ऐसा होता है ना, तो इस वजह से होता है। पहली बात तो ये कि आपको बहुत अच्छा एक कंडीशनर आपको यूज़ करना है, और दूसरी बात आपको एक अच्छा वाला शैम्पू सीरम यूज़ करना है। ठीक है, और शैम्पू तो अच्छा वाला आपको पैरामिन फ्री वाला अच्छा आपको यूज़ करना ही करना है, नहीं तो आपके बाल और ज़्यादा ऐसे ड्राई हो जाएगा, टूटने लग जाएगा, बालों का क्वालिटी जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सिंपल पॉइंट होता है, कुछ सोच के आपको प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि बालों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करना है, हमारे हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इतना सारे प्रोडक्ट हम यूज़ करें, तो गाइज आपको ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो शैम्पू कंडीशनर सीरम वैसे ही आप यूज़ करो, लेकिन आप
जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो थोड़ा सा सोच समझ के आप ब्रांड चूज करो, सोच समझ के आप प्रोडक्ट यूज करो, तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। कम प्रोडक्ट में भी अच्छा आपका मतलब हेयर केयर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशनर है ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर है, ये हवाना मैंगो रिलैक्सिंग कंडीशनर है, बहुत ही सही वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंडीशनर अगर आप यूज करते हो तो आपके बाल जो है बहुत ही ज्यादा एक यहाँ पे लिखा हुआ है स्पा वाला एक फील आ जाएगा आपके बालों में, एक स्पा वाला आपको लुक आ जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, स्पा हो अगर आप करते हो तो स्पा वाला जो लुक होता है, स्पा वाला जो बालों का जो वो फील होता है वो उतना तो ये नहीं देता है डेफिनेटली, वो स्पा करने का वो अलग ही वो है। लेकिन ये जो कंडीशनर है ये अगर आप लगाते हो आपके बालों में तो आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा लगता है कि बहुत ही शाइनी हो जाता है, बहुत ही ड्राइनेस चला जाता है। सबसे पहली बात तो ड्राइनेस चला जाता है, शाइनी और सिल्की हो जाता है आपके बाल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कंडीशनर का काम ही यही है कि आपके बालों को शाइनी करना, मतलब ड्राइनेस को हटाना, ठीक है। तो ये बहुत ही सही वाला ये कंडीशनर है, तो अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएगा। कंडीशनर, शैम्पू, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो पंप वाला बॉटल में अगर आता है तो लेने में बहुत ज़्यादा इजी रहता है गाइस। तो ये भी पंप के साथ आता है तो और भी अच्छी बात, आपको लेने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रोडक्ट दिखा दूँ अब। तो प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह प्रोडक्ट है, और अच्छी बात है गाइस, ये प्रोडक्ट जो है अगर आप पंप के साथ ऐसे आप प्रेस करते हो ना तो प्रोडक्ट आप देख सकते हो कि ज़्यादा नहीं निकलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये पंप बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसा इन लोगों ने ये पैकेजिंग किया हुआ है कि प्रोडक्ट एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट आपको निकल के नहीं आएगा। क्या होता है कई बार हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता है, कई बार बहुत सारा प्रोडक्ट निकल आता है तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इसका पैकेजिंग में मतलब मैं 10 मैं दूंगी पैकेजिंग में, बहुत ही अच्छा इसका पैकेजिंग है। ओके, तो ये जो कंडीशनर है आप देख सकते हो कुछ इस तरह इसका कलर है, आप बोल सकते हो कि वाइट ही है, वाइट कलर में ये आता है आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह इसका कंडीशनर है और एकदम बहुत ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थिक भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, तो कुछ इस तरह है। और इसका स्मेल इतना एकदम जो मैंगो होता है ना, जो एकदम मैंगो वाला स्मेल है, मतलब ये हवाना मैंगो कंडीशनर है ऑब्वियसली, बट इसका स्मेल एग्जैक्टली मैंगो का जैसे स्मेल होता है ना, एग्जैक्टली वैसा स्मेल है इसका। ओके, तो ओवरऑल मुझे ये कंडीशनर बहुत पसंद है। अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा वाला कंडीशनर आप ट्राई करोगे, कौन सा वाला अच्छा होगा, कौन सा वाला अच्छा नहीं होगा, तो गाइस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी डेफिनेटली आप ये हवाना मैंगो कंडीशनर आप ट्राई करो, आपको बहुत 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 पसंद आएगा, ठीक है। मैं हाईली 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 रिकमेंड करती हूँ ये वाला कंडीशनर को। गाइस, तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करना। ओके, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।